बैक टू द चैनल राइडर हसन। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं, दो तीन लोकेशन बची हैं यहाँ पे जहाँ जाके, यानी कि एक पहली तो है जो हवेली है जिसका नाम आपको आगे पता चलेगा कौन सी हवेली है वो, और उसके बाद हम लोग जाएंगे भिखाजी की टेकरी, तो और दो मंदिर जाएंगे हम लोग, एक जैन टेम्पल जाएंगे और एक उसके पास में मंदिर है लक्ष्मीनाथ जी का वहाँ पे। तो यानी कि बचा कुछ सारा सब कुछ आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो काफ़ी टाइम से, पिछले दो दिन से मैं रुका था ये वाले भाई के पास में, तो आज भाई को अलविदा कहने का समय आ गया है क्योंकि अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, फिर मेरा लगभग कवर हो गया। तभी गाइस मैं आ चुका गोगा गेट के पास में, जो मेरे पीछे गेट देखो ये गोगा गेट और जो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर आता है बीच में जब हम लोग हवेली की साइड जाते हैं। तो वैसे दूसरा भी रास्ता है हवेली के लिए जाने के लिए, बट मैं जा रहा हूँ इस रास्ते से, तो मैंने सोचा ये मंदिर भी बीच में विजिट करवा देते हैं। तो अंकल जी सब्जी ले रहे हैं, मेरे को उस रास्ते तक छोड़ देंगे दोस्तों। तो ठीक है भाई, अब अंकल जी जा रहे हैं, तो अंकल जी ने सब्जी ले ली है, तो अंकल जी के साथ हम चलते हैं अभी। तो दोस्तों ये जो अंकल जी रामपुरी हवेली के पास में जा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि मंदिर अभी खुला नहीं होगा क्योंकि दोपहर का टाइम है, मंदिर 4 से 5 बजे खुलेगा, वैसे कंफर्म नहीं है ये भी, मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ जाके बता दूंगा। तो अंकल जी को नॉलेज भी होगा उस जो हवेली उसके बारे में, तो अंकल जी से थोड़ा पूछ भी लेंगे क्योंकि हमें तो उसके बारे में पता नहीं है, हम तो सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं। तो अंकल जी बिल्कुल उसके पास में ही घर है, अंकल जी बिल्कुल पास में ही घर है ना आपका? बिल्कुल घर पास। अभी हम जा रहे हैं कोठारी मोहल्ला से। अंकल जी क्या लगता है आपको, मेरी ये जर्नी कंप्लीट हो पाएगी लिफ्ट लेके पूरा इंडिया ट्रैवल करने? हाँ बिल्कुल हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी। तो अंकल जी ऐसे आप मोटिवेट करते रहो, हमें आशीर्वाद देते रहो, हम ऐसे ही कर लेंगे पूरा कंप्लीट ट्रैवल करेंगे, जरूर करेंगे। माय बेस्ट विशेस। रामपुरिया मोहल्ला और ये रामपुरिया हवेलियाँ सारी, ये रामपुरिया हवेलियाँ सारी हैं। अब आप ये देखो दोस्तों, अभी एरिया स्टार्ट हो चुका है रामपुरी हवेली का, और ये सारी की सारी जो भी हवेलियाँ हैं रामपुरी हवेली बोलते हैं इन्हें भी, और ये मोहल्ला जो इसे रामपुरिया मोहल्ला ही बोलते हैं। देखो हवेलियों का शहर भी बोल सकते हैं अपन इसको, यहाँ से शुरू होकर इस रास्ते से आप जाओगे ना। अच्छा बस इसे बाहर से देख सकते हैं? अंदर है? अंदर से देखते, अंदर से नहीं देख सकते, सब बंद है क्योंकि इनके ओनर यहाँ रहते ही नहीं, अंदर नहीं है, थोड़े सा ओनर सब बाहर है बीकानेर। ये सारी हवेलियाँ रामपुरिया की, इसको टाइटेनिक हवेली बोलते हैं, इसको टाइटेनिक हवेली बोलते हैं, वहाँ जाके देखो आप। अच्छा वो तो मैं दिखा दूंगा इनको, क्या क्या आपको सिनेमा टाइटेनिक वाला व्यू है, टाइटेनिक वाला व्यू है। हाँ मैंने सुना है कि इंडिया से बाहर भी एक कंट्री है जहाँ पे ऐसी, बिल्कुल एग्जैक्टली। कौन सी कंट्री है वो? लंडन। हाँ लंडन। अभी गाइस फाइनली मैं रामपुरिया मोहल्ला में आ चुका हूँ, ये जो मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये बंगला देख रहे हो, ये बंगला इसे बोलते हैं टाइटेनिक जैसा व्यू जो आता है, जो लंदन में ऐसी सेम बनी है उसके जैसी सेम इसकी आकृति है, देख सकते हो ऊपर से नीचे तक। तो अंकल जी ये जो यहाँ की जो ये कोठी है इन सब के ओनर अभी कहाँ हैं? बाहर रहते हैं वो। बाहर रहते हैं मतलब इनके अंदर एंट्री नहीं है अभी? एंट्री नहीं है, बंद है। अच्छा तो ये जो हवेली है मैंने सुना है कि ये एकदम से लंदन की जैसी हवेली बनी हुई है, इसके बारे में पूछ? सर हम गए नहीं, हमारा नंबर लगा ही नहीं। अच्छा लंदन जाने का नंबर नहीं लगा? यहाँ भी नहीं लगा, अंदर यहाँ जाने का मौका नहीं, देखते हैं सारे। अच्छा किसी को भी अंदर जाने का मौका कम ही लोगों को मिलता है? बड़े हैं आदमी उनको देखो हम जानते नहीं है। अच्छा इनके पास साबिया सब है यहाँ की, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आपको भी मौका मिला है इनके अंदर जाने का? वो काफी टाइम आते हैं ना, साल में एक दो बार आते हैं, तभी को देखने को मिलता है, जिसको किस्मत होती है उसको मिलता है। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये किस्मत वाला एक चांस हो गया, मान लो कि जिसका लक अच्छा होता है उसको इसके अंदर जाने का मौका मिलता है जब वो लोग आते हैं जिन्हों इनके ओनर्स हैं। तो ये सब की सब प्राइवेट हवेलियाँ हैं और वो आज जा चुके हैं, बट उन्होंने आज भी इनको जो है अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो अब इसके कुछ सिनेमेटिक वो मैं आपको दिखाता हूँ, और थोड़ा सा बता दूँ कि जो मोहल्ला ये पूरा का पूरा रामपुरिया मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है पूरे के पूरे गेट वगैरह जो भी है ना गाइस सब कुछ जो है पुराने टाइम का यूज में लिया गया है। ये देखो ये गेट जो है पूरे काठ के बने हैं, लकड़ी से बने हुए गेट है सारे। रियल में भाई यदि जोधपुर नहीं बीकानेर आके आपने ये हवेलियाँ नहीं देखी तो आपने ये मान लो कुछ भी नहीं देखा है। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं इसके बारे में, बट यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कितनी पुरानी है। कितने साल पुरानी होंगी सारी हवेलियाँ लगभग अंदाजन? तो यार कम से कम बहुत पुरानी है, ऐसे देखो तो हजारों साल पुरानी है। ऐसे हजारों साल पुरानी है? अभी एक भाई तो बोला था 100-150 साल पुरानी है, वो पागल है, उसको पागल है ना। तो गाइस मैंने बोला था ना 100-150 साल तो हमारे यहाँ जो मकान है वो है पुराना। सही बात है भाई, यही मेरे को लगा कि इतना कुछ जो कम से कम आप 400-500 साल पक्का समझो इसको।
तभी गाइस मेरे को लिफ्ट मिल चुकी है, ये वाले भाई ने मेरे को लिफ्ट दी है, थैंक यू सो मच भाई। तो भाई मेरे को आगे तक छोड़ेंगे जहाँ तक ये जाते हैं। पूरा वीडियो ऑन लग रहे, देख लियो देख लियो, आगो दिख रही है आगो ने हैं, काट दो बाहर को निकला वो नहीं काट दो वीडियो पूरा काटा को नहीं पूरा वीडियो ध्यान रखा तो सही में रियल पूरा ध्यान रखना। तभी फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दोनों टेंपल के पास में। तो ये इस साइड में ये जो है ये है भांडासर जैन मंदिर और वो है पीछे लक्ष्मीनाथ जी मंदिर। तो देखते हैं पहले किस मंदिर में चलते हैं, ये सामने मंदिर सबसे पहले यही है तो इसी में चलते हैं और देखते हैं पहले पूछते हैं अंदर जाके वीडियो वगैरह बनाने की परमिशन है कि नहीं है। तो ये जो जैन मंदिर है दोस्तों इसके अंदर वीडियो वगैरह बनाने की परमिशन नहीं है, पंडित जी से मैंने पूछा तो पंडित जी ने मना कर दिया, साफ साफ बोला कि आगे से आदेश नहीं है। तो चलो अभी वापस चलते हैं। ये जो इस साइड में देख रहे हो ये जैन टेंपल और ये जो है ये लक्ष्मीनाथ टेंपल, ये लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में चलते हैं। तो इसमें कुछ फंक्शन आज शायद से, इसीलिए देखो इसमें ये सब कुछ लगाया हुआ है सजावट के लिए।